बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ गोपी शर्मा फ्रॉम शाहजहाँपुर यूपी, ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। इफ़ टेन ऑफ थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर एंड फाई इज इक्वल टू वन बाई टू लॉग ऑफ टेन पाई बाई फोर प्लस अल्फा बाई टू। तो ये दो चीज़ें हमको प्रूव करनी हैं, दो एक्सप्रेशन को, और हमको जो गिवन है वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि टेन ऑफ थीटा प्लस आई फाई की वैल्यू जो है वो कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा के इक्वल है। ऐसे इक्वेशन हम वन डालेंगे, ये गिवन था। अब हम इसमें कंजुगेट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और उससे एक इक्वेशन और मिल जाएगा। तो वाई कंजुगेट प्रॉपर्टी, कंजुगेट कंजुगेट प्रॉपर्टी, तो कंजुगेट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो उसमें जहाँ पर भी आई मिलेगा वहाँ पर आई की जगह पर माइनस आई रख देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा। इसे इक्वेशन नंबर टू डाल देंगे। और अगर हमें थीटा निकालना है तो देखिए इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आई फाई कैंसिल हो जाएगा, टू थीटा मिलेगा, तो वहीं टू थीटा से हमें शुरुआत करनी है अगर ये निकालना चाहते हैं। और इक्वेशन नंबर वन और टू का हम लोग यूज़ करेंगे, तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर टेन टू थीटा से, क्योंकि इक्वेशन नंबर वन में जो एंगल दे रखे हैं उनको ऐड करने पे ऐसा मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पर टेन टू थीटा से स्टार्ट कर रहे हैं अगर थीटा की वैल्यू चाहते हैं। तो इसको टू थीटा को इस तरीके से लिखेंगे, थीटा प्लस आई फाई और माइनस सॉरी प्लस थीटा माइनस आई फाई, क्योंकि अगर इनको ऐड कर देंगे ये कैंसिल हो के टू थीटा आ जाएगा। और इसको हम ए और इसको बी समझें और यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दें, टेन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दें। टेन ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है टेन टेन ए प्लस टेन बी अपन वन माइनस का टेन ए इंटू टेन बी। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में, तो टेन टू थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ए मतलब हमारा थीटा प्लस आई फाई, बी मतलब थीटा माइनस आई फाई, तो ये हो जाएगा टेन ए थीटा प्लस आई फाई प्लस टेन बी टेन थीटा माइनस आई फाई अपन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी थीटा प्लस आई फाई इंटू टेन थीटा माइनस आई फाइव। ये वैल्यू हमको दे रखी है, गिविन है इक्वेशन नंबर वन और टू में। इक्वेशन नंबर वन में ये वैल्यू हमको दे रखी थी कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, वहाँ से वैल्यू रख दी। और इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर टू में निकाली थी हम लोगों ने कॉस अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी वैल्यू पुट कर देंगे, कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर टू से कॉस अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा। तो लिखना चाहें तो लिख देंगे कि यूज़ किया हमने इक्वेशन नंबर वन का, यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन टू, इक्वेशन नंबर वन और टू का हमने यूज़ किया है। देखें कि ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये माइनस का है आई साइन अल्फ़ा, ये प्लस साइन अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में टू टाइम्स हो जाएंगे कॉस अल्फ़ा, डिनोमिनेटर में देख रहे हैं एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा है दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी हो आइडेंटिटी हो जाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो देखेंगे कॉस अल्फ़ा का भी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आई साइन अल्फ़ा का भी होल अब स्क्वायर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू चल रही है टेन टू थीटा के इक्वल चल रही है, टू कॉस अल्फ़ा ऊपर है अपन वन माइनस न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है वन माइनस कॉस का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जब इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो आई का स्क्वायर हो जाएगा और साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। और आई की वैल्यू हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट माइनस वन होती है आयोटा की वैल्यू, यानी आई की वैल्यू स्क्वायर करेंगे दोनों साइड स्क्वायर रूट हटेगा तो माइनस वन आ जाएगा, तो इस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो इससे ये वैल्यू माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टेन टू थीटा की वैल्यू हो जाएगी टू कॉस अल्फ़ा अपन वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और ये वैल्यू जो होती है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा फार्मूला होता है, इसकी वैल्यू वन के इक्वल होती है, तो टू कॉस अल्फ़ा अपान वन माइनस वन, और वन माइनस वन अपान में जीरो आ जाएगा, टू कॉस अल्फ़ा अपान जीरो अपान में जीरो है, तो इसकी वैल्यू को हम लोग इन्फिनिटी लिखते हैं। और ये वैल्यू होती है टेन पाई बाई टू मीन्स टेन नाइन्टी की वैल्यू होती है, तो टेन टू थीटा की वैल्यू अभी इतनी आई है। हम लोग जानते हैं कि जनरल फार्म में कि टेन थीटा बराबर टेन अल्फ़ा हो, यहाँ पर थीटा वेरिएबल अल्फ़ा कांस्टेंट, तो इतने के बराबर तो थीटा की जनरल वैल्यू होती है एन पाई प्लस अल्फ़ा, तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। और टू थीटा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो टू थीटा आ जाएगा
ये एन पाई प्लस पाई बाई टू। अब थीटा निकालना तो टू से डिवाइड कर देंगे तो एन पाई बाई टू और माइनस पाई बाई फोर हो जाएगा ये। तो यही हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो थीटा इज इक्वल टू हमको मिल चुका है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर। अब हमें फाई की वैल्यू अगर निकालना है तो स्टार्टिंग हमें करना पड़ेगी टेन टू आई फाई से करना पड़ेगी, क्योंकि इक्वेशन नंबर वन और टू में देखिए जो एंगल है वो उनको अगर हम इस तरीके से लिखें, यानी हम इक्वेशन नंबर वन में जो एंगल दे रखा थीटा प्लस आई फाई उसमें से अगर माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर टू में जो एंगल दे रखा थीटा माइनस आई फाई, तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और आई फाई ये प्लस का और ये प्लस का टू टाइम्स आई फाई हो जाएंगे। तो टेन टू आई फाई की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं और ये हम ए और बी मानते हुए इनको टेन ए माइनस बी की आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे। टेन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है टेन ए माइनस टेन बी अपान वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, इस आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब इसमें राइट हैंड साइड में इस आइडेंटिटी का जो हम लोग यूज़ करेंगे तो राइट हैंड साइड चेंज होके ये आ जाएगी टेन ए यानी थीटा प्लस आई फाई माइनस टेन वी मीन्स थीटा माइनस आई फाई अपान वन प्लस टेन ए इंटू टेन वी, टेन ए ए मीन्स थीटा प्लस आई फाई इंटू वी मीन्स टेन थीटा माइनस आई फाई। हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर वन से वैल्यू है कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा अपान वन प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा, ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो टू टाइम्स हो जाएगा आई इंटू साइन अल्फ़ा। अपान में ये ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में प्लस हो रहा है दूसरे में माइनस हो रहा है, तो कॉस अल्फ़ा का भी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आई साइन अल्फ़ा का भी होला भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी टू आई साइन अल्फ़ा अपान वन प्लस उसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो जैसे कि अभी देखा था आई का स्क्वायर हो गया था और साइन का स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है तो ये ओनली प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में हम लोग को देख रहे हैं कि ये वैल्यू है टू आई साइन अल्फ़ा और डिनोमिनेटर में हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू वन के इक्वल होती है तो ये वन वन हो जाएगा टू, ऊपर न्यूमरेटर में टू आई साइन अल्फ़ा है टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा ओनली आई साइन अल्फ़ा बचेगा। अपान में ये टू से टू कैंसिल हो गया वन कर सकते हैं इसे, अपान में वन लिख सकते हैं इसको और लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू चल रही थी वो टेन टेन टू टाइम्स आई फाई के इक्वल चल रही थी, यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे यानी हम लोग जानते हैं कि टेन में यानी सर्कुलर फंक्शन में आई होता है तो टेन आई जेड की वैल्यू आई टेन हाइपरबोलिक जेड के इक्वल हो जाती है, इस फार्मूले का यूज़ करते हुए इसके हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर देंगे यानी आई यहाँ से बाहर हो जाएगा और ये टेन हाइपरबोलिक में बदल जाएगा, आई हटा देंगे टू फाई बचेगा ओनली टू फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आई है यानी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में अभी लिखे थे आई टेन हाइपरबोलिक टू फाई के बराबर आ गया है ये आई साइन अल्फा के बराबर और इसको हम आई से आई को हम कैंसिल कर सकते हैं और फाई की चूँकि वैल्यू निकालना टेन की नहीं निकालना तो टेन हाइपरबोलिक जेड की आइडेंटिटी ये रख देंगे। हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू होती है ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड अपान ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड, इस आइडेंटिटी का यूज़ हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जेड की पावर हमारा टू फाई है तो ई टू द पावर हो जाएगा टू फाई माइनस ई की पावर माइनस टू फाई अपान ई टू द पावर टू फाई और प्लस ई टू द पावर माइनस का टू फाई, हमें फाई की वैल्यू चूँकि फाइंड करनी है यहाँ पर तो इसलिए इस तरीके से टेन को हटा दिया इस फार्म में बदल दिया। और भी दूसरे मेथड होते हैं इसको निकालने के, साइन अल्फ़ा अपन इसको वन रहने दें क्योंकि ये इस फार्म में है, यहाँ पर हम कंपोनेंट और डिविडेंड लगाना चाहेंगे, अगर फाई निकालना है तो ये चूँकि एक जैसा है और बीच में प्लस माइनस है तो ऐसे में कंपोनेंट और डिविडेंड ही सही रहता है अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं यानी टू फाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो कंपोनेंट और डिविडेंड यहाँ पर बता दे रहे हैं कि हमारे पास ए अपान बी इक्वल टू सी अपान डी है तो कंपोनेंट और डिविडेंड में क्या होता है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो जाता है और न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर माइनस हो जाता है, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड किया ऐसे ही राइट हैंड साइड में हो जाएगा सी प्लस डी और सी माइनस डी। तो ये यहाँ पर कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल है तो इसको हम यहाँ पर अपना अप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड, मतलब ये पूरा रूल लेफ्ट और राइट दोनों के लिए होता है तो अप्लाई लिख देते हैं।
अप्लाइंग कंपोनेंट में इंडिपेंडेंट अप्लाइंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो तो कंपोनेंट डिविडेंडो लगाएंगे तो न्यूमरेटर क्योंकि ई की पावर 2/5 माइनस ई की पावर माइनस 2/5 है उसमें ऐड हो जाएगा डिनोमिनेटर ई की पावर 2/5 प्लस ई टू द पावर माइनस का 2/5 और फिर इसी न्यूमरेटर में से घटाना होगा हमें डिनोमिनेटर को सब्सट्रैक्ट करना होगा सो हमने कर दिया डिनोमिनेटर को सब्सट्रैक्ट राइट हैंड साइड में साइन अल्फा अपन वन था तो साइन अल्फा यानी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जुड़ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में से माइनस होगा डिनोमिनेटर। अब देख रहे हैं कि ये दोनों जो हैं एक ये प्लस की वैल्यू है ये माइनस है इक्वल है सेम है कैंसिल हो गया और टू टाइम्स हमें बन गए टू टाइम्स ई टू द पावर 2/5 हो गया। अपन में ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और माइनस का चूँकि ये भी हो जाएगा ई की पावर माइनस 2/5 और पहले से माइनस ई की पावर 2/5 है तो माइनस का टू टाइम्स ई की पावर माइनस 2/5 के बराबर हो जाएगा। राइट हैंड साइड में यहाँ पर हम देख रहे हैं वन को पहले लिख सकते हैं साइन अल्फा को बाद में और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये वन प्लस हो जाएगा इसको पहले लिख दिया और साइन अल्फा को बाद में लिख दिया इससे फायदा ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा टू से टू भी कैंसिल हो जाएगा और इसको हम अगर ऊपर ले जाएँ तो ये पावर प्लस हो जाएगी यानी 2/5 ऊपर जाके 2/5 प्लस हो जाएगी। इधर राइट हैंड साइड में हम ये कर रहे हैं कि इस वन को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर हाफ एंगल में लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू इसकी वैल्यू वन के इक्वल होती है एंगल सेम है साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर और बीच में प्लस हो साइन अल्फा की हाफ एंगल में वैल्यू होती है याद रखिए टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे डिनोमिनेटर में वन की जगह पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू और साइन अल्फा की ये वैल्यू टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू और हम लोग जानते हैं कि ये होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि ये कॉस का स्क्वायर है ये साइन का स्क्वायर है और ये दोनों को इंटू का ट्वाइस है तो कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू का ये होल ऑफ स्क्वायर हो गया डिनोमिनेटर में ये वैल्यू हो गई कॉस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर हो गई तो ये पावर जुड़ के 2/5 हो जाएगी यानी सॉरी 4/5 हो जाएगी और ये होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा यानी हम जो प्रूव करना है वो उसमें ध्यान दें कि इसमें 10 में आंसर आ रहा है ये कॉस हाउस में नहीं आ रहा तो उसको भी ध्यान देना होगा हमें और स्क्वायर जो दोनों पर लगा है पूरे पर इसको लगाते हैं उनको ब्रेकेट करने लिख दें कॉस अल्फा बाई टू प्लस का साइन अल्फा बाई टू और ये कॉस अल्फा बाई टू और माइनस साइन अल्फा बाई टू तो ई टू द पावर ये 4/5 है। फिलहाल हमें इसमें इसको 10 की फार्म में बदलना है और दोनों चूँकि 5 हमें वैल्यू निकालना तो उसको नीचे लाने के लिए लॉग ले लें दोनों साइड लॉग ले लेते हैं तो लॉग ई टू द पावर 4/5 हो जाएगा और इस तरफ भी लॉग को लग जाएगा और साथ में हम ब्रेकेट करने से कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इसमें कॉस अल्फा दोनों में से कॉमन ले रहे हैं कॉस अल्फा बाई टू कॉमन लेंगे तो इधर तो वन आ जाएगा यहाँ पर कॉस नहीं है तो अपान में बढ़ जाएगा यानी साइन अल्फा बाई टू अपान में कॉस अल्फा बाई टू हो जाएगा यही हमें डिनोमिनेटर में करना है कॉस अल्फा बाई टू इन दोनों में से कॉमन लिया तो वन माइनस साइन अल्फा बाई टू अपान में कॉस अल्फा बाई टू हो गया ये कॉस तो कैंसिल हो जाएगा तो ये लॉग में जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई कर जाती है तो 4/5 आगे जाएगा इंटू लॉग ई और बेस नहीं लिखा होता तो ई होता है और ऐसे ही इसमें ये लॉग में पावर जो होगी वो आगे मल्टीप्लाई कर देगी तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा लॉग ऑफ जो बचा है उसको लिख लेते हैं हम तो ऊपर ये 1 प्लस साइन अपन कॉस 10 के बराबर होता है तो 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा 1 माइनस ये भी साइन अपन कॉस 10 अल्फा बाई 2 के इक्वल हो गया। इस 2 से हम 4 को कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स तो ये हमारे पास 2/5 और ये लॉग ई बेस ई दोनों वैल्यू बराबर होती हैं ई तो ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है जो लॉग की वैल्यू है वही बेस की वैल्यू यहाँ पर दोनों इक्वल है तो वैल्यू 1 के इक्वल होती है। अब हमें राइट हैंड साइड में कुछ कैलकुलेशन करना है कि आंसर 5/4 की फार्म में भी आ रहा है तो प्रूव करना है उसमें अल्फा बाई 2 भी आ रहा है 5/4 भी नज़र आ रहा है तो हम इस 1 को और यहाँ पर 1 का इंटू मान लें इस 1 की जगह पर लिख देंगे इन दोनों 1 की जगह पर 10 5/4 क्योंकि 10 45 की वैल्यू 45 की वैल्यू यानी 5/4 की वैल्यू रेडियन में 1 के इक्वल होती है तो 1 को रिप्लेस कर देंगे 10 5/4 से ये 10 अल्फा बाई 2 ऐसे लिखा रहने देना 1 माइनस इस 10 को भी रिप्लेस कर देंगे 10 5/4 इंटू 10 अल्फा बाई 2 हमारे पास पहले से ये लिखा हुआ है इसको लिख दिया ये फार्मूला लग जाएगा शुरू में बताया था 10a + 10b अपन 1 माइनस 10a × 10b 10a + b की आइडेंटिटी है उसको लगा देंगे लेफ्ट हैंड साइड में 2/5 है ये तो 2/5 की वैल्यू जो है इक्वल आ गई लॉग ऑफ 10
ए की जगह पर हमारा पाई बाई फोर है, बी की जगह पर अल्फ़ा बाई टू है। फाई निकालना है तो टू से डिवाइड कर देंगे, यानी वन का इंटू मानेंगे तो वन बाई टू हो जाएगा लॉग ऑफ टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस अल्फ़ा बाई टू। और हमको यही प्रूव करना, तो ये प्रूव हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। आखिर दावाना अलहमदिल्ला रबीआलमीन।